भाषा शिक्षण के संवाद मंच में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज की चर्चा में मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ नए सूत्र बताऊंगा। नौकरी तो लग गई है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या फिर IBPS में स्पेशलिस्ट ऑफिसर, पहले महीने से 50,000 से अधिक आप पाएंगे, उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे? आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंडा हम आपके साथ साझा करते हैं, जो जानना बेहद जरूरी है अगर जीवन में सफल होना है। तो देखिए, जिस दिन से आप नौकरी में आते हैं तो आने के साथ ही मान लेते हैं 50,000 रुपए आपकी तनख्वाह होती है। ये जो 50,000 रुपए तनख्वाह, अभी तक तो हम बेरोजगार थे, एक भी पैसा हमारे पास नहीं था, लेकिन 50,000 देखते ही मन हमारा बावरा हो जाता है और फिर हमें लगता है कि इसको कहां कैसे खर्च करें। अब इस 50,000 रुपए का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए हम घर किराए पे लेते हैं, मकान किराए पे लेते हैं, अगर क्लास 1 सिटी है तो कम से कम 10,000 रुपया हमारा किराए में चला जाता है। भोजन पानी में हमारा बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, फूड पर अगर आप देखें तो 3,000 रुपया महीने में अगर आप अकेले हैं तो आपके भोजन का प्रबंध हो जाता है। फूड के अलावा और भी कुछ जरूरतें होते हैं, मिसलेनियस मान लेते हैं, मिसलेनियस बहुत ज्यादा जाएंगे तो आप 5,000 और खर्च करेंगे, और लैविश लाइफ अगर जीना है तो 10 और 18, मतलब 50 में से 20,000 रुपया आप खर्च करते हैं तो भी आप आनंदमय जीवन जी सकते हैं। अब 20,000 के बाद आपको 50 में से 20 गया तो आपके बचे 30,000 रुपया। अब ये जो 30,000 का मैनेजमेंट है वह आपके लिए तब तक बड़ा कठिन हो जाता है जब तक घर में कोई जरूरत नहीं हो। विशेषकर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें घर में पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है और यहीं से उनके खराब रास्ते की शुरुआत होती है। खराब रास्ता अर्थात बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये जो आपका 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया आपके अगर घर में आवश्यकता है तो अधिकतम आप 20,000 रुपया घर भेज सकते हैं। 20,000 रुपये में मुझे लगता है कि एक साधारण परिवार चल जाता है, यहां तक तो हमारा ठीक है, हमने फिर भी 10,000 रुपये बताया। देखिए, चाणक्य की नीति कहती है कि आपका जो भी इनकम होता है, जो भी आमदनी होती है, उस आमदनी के आप 4 हिस्से करिए। पहला हिस्सा अपने भरण पोषण के ऊपर खर्च करिए, चौथा हिस्सा मतलब 1/4 हिस्सा उसे आप अपने भविष्य के लिए रखिए, एक हिस्सा या 10% आप उसको दान पुण्य के लिए प्रयोग करें, और फिर जो बफर बचा, ये जो एक हिस्सा बचा, इसको आप अपने अलावा अपने बच्चों की, आजकल दूर रहते हैं तो एक परिवार को दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप 50,000 कमाते हैं, उसका 10% अर्थात 5,000 कहते हैं दान पुण्य। दान पुण्य कैसे? जैसे कोई गरीब बच्चा है, पढ़ाई में उसको असुविधा है, फाइनेंशियल मदद कर दीजिए। किसी की बहन की शादी है, बेटी की शादी है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उसको मदद कर दीजिए, लेकिन हम उसको कितना देंगे? 50 रुपया 100 रुपया। चले ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे गाढ़े पसीने की कमाई हम क्यों खर्च करें। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में आप कैसे जाते हैं? अब जैसे ही नौकरी लगी तो नौकरी लगने के साथ ही हमारी पहली प्राथमिकता होती है व्हीकल अर्थात वाहन। आजकल बुलेट चला हुआ है, बुलेट पे जीजा आपने गाना भी सुना होगा, तो बुलेट हम सबसे पहले खरीदते हैं। बुलेट की कीमत 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तो हमारे पास तत्काल होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, महीने के 5,000 रुपए का हम EMI करा लेते हैं। इसके बाद नौकरी लगी है भाई, नई नौकरी लगी है तो फिर हम iPhone खरीदते हैं। अभी कौन सा ब्रांड चल रहा है पता नहीं, iPhone भी हमारा 1.5 लाख के लगभग, बहुत शौकीन है, दिखाना है लोगों को, तो हम 1.5 लाख का लेते हैं, इसका भी लगभग 6,000 रुपया EMI में चला जाता है। मकान लिया हमने तो कोई आएगा देखेगा तो उसके लिए सोफा और तमाम फर्नीचर वगैरह, फिर यह भी लगभग 1.5 लाख रुपए हम खर्च कर देते हैं। डेढ़ मतलब लगभग 5 लाख रुपए का हम लोन ले लेते हैं क्योंकि हमें मिल जाता है, और ये 5, 6, 11 और 5 लगभग 16,000 रुपया हम महीने की EMI के चक्कर में फंस जाते हैं। और द डे आप EMI के चक्कर में लाल हो गए, जिंदगी गई पटरी से नीचे। अब इसके बाद सैलरी अच्छी है तो रोज भी मेरे पास, कल 6 बार HSBC क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आया था,
कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड में आपको लाभ क्या मिलता है, जो खर्च करेंगे उस पर पॉइंट बैलेंस और तमाम चीजें हैं, एयरपोर्ट लॉन्च ये वो। तो क्रेडिट कार्ड जैसे ही ले लिया, उसकी लिमिट आपकी मान लेते हैं 4 लाख है, अब इसको भी तो आप खर्च करेंगे ना, इसका भी कहीं ना कहीं आप मिनिमम 5 से 7 हजार रुपये, मैं 5 हजार ही मानता हूं, तो 16-5 21 हजार रुपए के आप मासिक लोन में फंस जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 50 हजार कमा रहे हैं तो 21 हजार तो हम खर्च कर ही सकते हैं ना। लेकिन ये जो 21 हजार एक महीने का नहीं है, ये आपका हर महीने अर्थात 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष जो भी हो, उधार लेने की आदत एक बार पड़ गई तो पड़ गई, इसके बाद फिर मकान खरीदना होगा, फ्लैट लिखा तो मान लीजिए हमने फ्लैट दे लिया 15 हजार का, एक फ्लैट का ईएमआई कर दिया तो 1, 5, 6, 36 हजार मिलते कितने हैं, 55 हजार, 55 में से हमने 36 हजार रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब मान के चलते हैं लगभग 20 हजार रुपया हमारे पास और बचा। 20 हजार रुपए में 10 हजार मकान का किराया चला गया और उसके बाद खाने पीने पे 5 हजार, फिर एकाध साल बाद शादी भी तो करेंगे, घर वालों को कहां से देंगे। और यहां तक तो ठीक है क्योंकि मैं घर पैसे नहीं भेजता हूं, तो महीने का 20-30 हजार रुपए हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल सैलरी दी है, 80% तक हम लुटा सकते हैं। यहां आकर के तमाशा होता है। तमाशा क्या होता है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में हैं तो अचानक देखिए रिसेशन आया, बड़े बड़े लोगों को कंपनी ने निकाल दिया, ये जो आपकी ईएमआई चलती है, अब ये ईएमआई कहां से भरेंगे, यह चिंता हो जाती है। ईएमआई बाउंस, चेक बाउंस, फिर आपका बाउंस बाउंस खेलने लगता है बैंक, और उस समय ये फिर आपका बढ़ता जाता है, जहां 30 देते थे वहां 40 होगा, 50 होगा। क्या लगता है ये रास्ता सही है? इसके ठीक विपरीत आपका एक मित्र है, वह मित्र जिस दिन से day 1 से नौकरी में जुड़ता है तो वह बचत योजना का लाभ उठाता है। बचत किसी भी तरह का हो सकता है, मार्केट में बचत, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, जो भी है वह इन्वेस्ट करना शुरू करता है हर महीने। जैसे मैंने यहां बताया शुरुआत में कि यहां 10 हजार रुपया आपका बच रहा है, वह अभी इन चक्कर में नहीं पड़ के 10 हजार रुपया बचाएगा, 1 साल तो उसका 1,20,000 रुपया हो जाएगा। मतलब 1 साल अगर बर्दाश्त करता है तो ये आईफोन खरीद लेगा। हालांकि आईफोन ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है, खाली एक स्टेटस सिंबल के अलावा बुलेटवा खरीद लेगा, 1 साल में बुलेट खरीदेगा, 1 साल में आईफोन, और ये डेबिट में नहीं जाएगा, डेबिट में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए अचानक उसका मन नहीं करता है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मूंछों पे ताव देता हुआ चंद्रशेखर आजाद के जैसे नौकरी को मारेगा लात और बाहर आ जाएगा, फिर भी वो नहीं रहेगा। लेकिन आप जब इस चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे। संस्थान कहती है, कई संस्थान कहते हैं, बैंक वगैरह भी कहते हैं कि अगर आपको इंप्लॉई को रिटेन करना है तो उसको इतना लोन दे दीजिए कि वो लोन चुका ना पाए और आजीवन आपका ऋणी रहेगा। एम्प्लॉई ए स्मार्ट एम्प्लॉई आपके जैसा, जिसने साल भर के अंदर सारी सुविधा कर ली, और एक मेरे जैसा ढीला ढाला एम्प्लॉई जो हर महीने बचत करता गया। क्या है, आपने आज बुलेट लिया, आप आज बुलेट चमका रहे हैं, वही मैं 4 साल बाद बुलेट लूंगा, क्या दिक्कत है, मैं 4 साल बाद आईफोन लूंगा, आईफोन तो मैं लूंगा ही नहीं, 10 हजार के सैमसंग से काम चल जा रहा है। निर्णय आप पे छोड़ता हूं कि आप एम्प्लॉई ए बनेंगे या बी बनेंगे, ढीला ढाला एम्प्लॉई, और यहां ऋण मुक्त जीवन जीना है या फिर ऋण के चक्र व्यूह में फंस करके अपना जीवन ऋणात्मक बना लेना है। जैसा भी आपका विचार बने बताइएगा जरूर, प्रतीक्षा रहेगी। जय हिंद।